तो नमस्कार दोस्तों, मैं सर टेलीकॉम से दुर्गेश और हमारे साथ है मिलन सर और हमारे साथ है कुछ स्टूडेंट। तो चलिए हम इनसे जानेंगे, आज इनका कोई रिव्यू वीडियो नहीं है, आज इनका थ्रू आउट की ये फर्स्ट डे से लास्ट डे तक इन्होंने सीखा नहीं सीखा, क्या सोच के आए थे, क्या सोच के ये जा रहे हैं, तो सारा कुछ हम यहाँ पे इनसे कवर करने वाले हैं। तो चलिए अपना नाम बताइए। मेरा नाम कमल सिंह सर, मथुरा से हूँ। अपना नाम बताइए। रमेश, उत्तर प्रदेश से। अपना नाम बताइए। नितिन शर्मा, अयोध्या से। सुभाष का सौधन, उत्तर प्रदेश। चलिए, तो ये सारे स्टूडेंट यूपी से हैं, तो चलिए बताइए थ्रू आउट कि यहाँ पे आपने जो सोच के आए थे, जो आपने सोच के ऐसा टेलीकॉम ज्वाइन किया था, क्या सोच के ज्वाइन किया था? सर, आगे भविष्य में काम करने के लिए ऐसे टेलीकॉम से हमने मोबाइल रिपेयरिंग के लिए सीखने के लिए आए थे, वो सारा कुछ मिला सर। आप क्या सोच के आए थे, क्या नीड? अच्छा नॉलेज मिलेगा, आगे काम करने में असुविधा नहीं होगी। तो जैसे आपने बोला अच्छा नॉलेज, तो क्या वाकई में वो चीज़ें आपकी मिली? मिली सर। जो आप सोच के आए थे वो पूरा हुआ? पूरा हुआ सर। आप क्या सोच करके आए थे? यही सर कि यहाँ ऐसे टेलीकॉम में नॉलेज मिलेगा और यही सब आगे मिली कि नहीं सर? मिली। ऐसा तो नहीं है कि समोसा खा के स्क्रिप्ट दे रहे हैं? नहीं सर, बिल्कुल मिली नॉलेज। ऐसा तो नहीं है ना? ऐसा तो नहीं है। नहीं सर। बताओ कैसा? जो सोच के आए थे सर, उससे कई बढ़ती हमको मिला है। क्योंकि देखिए, यहाँ पे कुछ फ्रेशर स्टूडेंट भी आते हैं, कुछ पहले से काम किए हुए भी आते हैं, तो ऐसा तो नहीं है फ्रेशर वालों को अलग पढ़ाया जा रहा है और जो काम कर रहे हैं उनको अलग पढ़ाया जा रहा है? सबके लिए समान। चलिए अब हम बात करते हैं, जैसा कि आपको बोला गया था कि आप अगर चार दिन में अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप रिटर्न घर वापस जा सकते हैं, तो ऐसा तो नहीं था कि आपको दबाव दिया जा रहा था? नहीं सर, नहीं नहीं सर, नहीं सर। तो चलिए, ऐसा भी तो हो सकता है कि चार दिन तक हम अच्छा पढ़ाए हो, पांचवें दिन तो जब पैसा रिटर्न हो करने की बाली आए तब आपको पढ़ाया ना जा रहा? नहीं नहीं सर, पूरे दिन रेगुलर। चार दिन में आपने सीपी लगाया था? हाँ सर। आपने लाइव? सर लाइव लाइव लगाया था सर। चलिए अब उसके बाद हम बात करते हैं हार्डवेयर सेक्शन दियो सर के साथ, कैसा रहा? अच्छा रहा सर। अच्छा रहा। सर्किटों का नॉलेज हो, सर्किट का सारा कुछ नॉलेज बता दिया सर, सर्किट का। आपका कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। चलिए अब मैं बात करता हूँ सॉफ्टवेयर की क्लास कैसी रही आपकी? सॉफ्टवेयर की बहुत अच्छी रही सर, सरल तरीके से सिखाया सर पूरा। आपको हर विभाग में नॉलेज बहुत अच्छा मिला सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं कि मिलन सर के साथ आपकी एमएमसी क्लास हुई है जिसमें ब्लैक पेस्टेड डुअल टेकर, उसके बाद यहाँ पे प्रोग्रामिंग, आईसी चेंज प्रोसेस सब कुछ बताया गया, कैसा रहा मिलन सर के साथ? बहुत अच्छा रहा सर, बहुत अच्छा रहा। जैसे ब्लैक पेस्टेड बोलते हैं हलवा कर देंगे, हलवाई कर दिया सर, केक बना दिया उसको सर, केक बना दिया। सर का ट्रिक बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है। ऐसा तो नहीं है कि सर घर से उसको स्टडी करके लाते हो और फिर आपको दिखाते हो, सारा क्लास सर ने लाइव दिया कि नहीं? लाइव दिया सर, जितनी बार पूछो उतनी बार बताते, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर, तो ऐसा नहीं होगा कभी? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम। चलिए अब थ्रू आउट कुछ मिलन सर पूछेंगे हमारे स्टूडेंट से, उनका कैसा रहा? तो जैसे कि जानते हैं आज लास्ट दिन की क्लास है और लास्ट दिन की क्लास में हम थोड़ा बहुत इसीलिए पूछते हैं कि ताकि डाउट थोड़ा बहुत रहे कि ना रहे हैं, हालांकि अगर डाउट रहते हैं और कोई भी काम करने में कुछ भी दिक्कतें आता है उसके लिए जैसे टेलीकॉम उनके साथ लाइफ टाइम जुड़ा रहता है, बैकअप फ्री में देता है और बैकअप एक आध दिन का नहीं होता है, 3 दिन का बैकअप होता है जिसमें कोई भी डाउट आप कोई भी काम अगर नहीं होता है उस फ़ोन को लेके आ सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। हालांकि आज लास्ट दिन की इनकी क्लास है, इनके बाद इन्होंने 3 महीने काम करना है, 3 महीने काम करने के बाद जो भी दिक्कतें होगा वो हमारे साथ शेयर करेंगे। मुझे ये बताइए, आप तो बिल्कुल फ्रेशर हैं एकदम सर, आप भी फ्रेशर हैं सर बिल्कुल, इससे पहले कभी काम नहीं किया था, आप फ्रेशर हैं, आप चार ही लोग फ्रेशर हैं। ये बताइए कि यहाँ पे आने के बाद आपको खुद फ्रेशर मानते हैं क्या? अभी अब नहीं मानते, अब क्योंकि आप लोग पेस्टेड आईसी से नॉर्मल आईसी लगाने से लेके पेस्टेड आईसी एक आईसी की लाइन पैड लाइन एक प्रोटोकॉल किस तरीके से काम करता है, एक आईटीसी कैसे काम करता है, एक कौन कौन सी लाइन होता है, क्या लाइन होता है, ये सारा सब कुछ नॉलेज आपको है और जो नॉलेज आपको मिला है सिर्फ थ्योरी थ्योरी मिला है कि प्रैक्टिकल के साथ मिला है? प्रैक्टिकल भी मिला है सर, हर एक चीज़ का प्रैक्टिकल, हर एक चीज़ का, आईसी से लेकर कोई ग्राफिक्स हो गया, नेटवर्क हो गया, वो हो गया, आपकी शॉर्टिंग हो गया, कोई भी चीज़ हो गया, सारी चीज़ कुछ प्रैक्टिकल मिला है। मुझे ये बताइए कि प्रोग्रामिंग या पेस्टेड आईसी में कैसा रहा अनुभव आपके? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा रहा। प्रोग्रामिंग कर पाएंगे आप? अब जाने के बाद कितने दिन में यूएफआई लेने वाले हैं? जाने की देरी है क्योंकि लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम काम नहीं हो पाएगा और दूसरी बात यह है कि हम भूलते जाएंगे, हम अगर कोई चीज प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो चीज हम भूलते जाएंगे, धीरे 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 भूलते जाएंगे। नोट तैयार हम कर लिए हैं, कोई दिक्कत होगा तो उसमें से
दिक्कत दूर हो जाएगी। और मैं ये बोलना पूछना चाहता हूँ कि आप आखिर के दिन में क्या किए? डबल डेकर। आप डुअल डेकर किए? डुअल डेकर में डर निकला है आपको? निकल गया। चलिए थैंक यू वेरी मच। आने वाले स्टूडेंट के लिए आप तीन लोगों के लिए क्या राय है? सर आना चाहिए, जिसको नॉलेज चाहिए उसको बेफिक्र यहाँ पे। आप क्या बोल रहे हैं? आ सकते हैं सर, बिल्कुल आ सकता है कि आना चाहिए? आना चाहिए सर। अगर नॉलेज लेना हो, नॉलेज प्राप्त करना हो और इस लाइन में अगर अच्छे तरीके से काम करना है तो ऐसे टेलीकॉम आना जरूरी है। आना जरूरी है सर, बिना आके नहीं होगा। चलिए थैंक यू वेरी मच आप चारों को, और आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छा काम करेंगे, अपना नाम और आपका शॉप का नाम बहुत आगे बढ़ाएंगे। और एशिया टेलीकॉम की पूरी टीम आपके साथ लाइफ टाइम जुड़ा हुआ है। थैंक यू वेरी मच। एक साथ कहेंगे इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? Get set go! Yes sir! Asia ka number one institute kaun hai? Yes sir! Asia ka number one institute kaun hai?